इंतजार करेगा पेशेंट की? खत्म होने का ये लोग ले जाओ पेशेंटों को ले जाओ। आपने तो हाथ खड़े कर दिए। ये देखो ये वीडियो है, ये क्या है वीडियो है? पानीपत के नामचीन प्रेम अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों को जान की चिंता सताने लगी है। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीजों को साफ कर दिया है कि उनके पास ऑक्सीजन समाप्त होने को है, आप एक घंटे में स्वयं ऑक्सीजन का प्रबंध करें। ऑक्सीजन समाप्त होने की सूचना से अस्पताल में भर्ती मरीजों में हाहाकार मच गया। सभी को अपने परिजनों की जान की चिंता सताने लगी। आप अपनी स्क्रीन पर इन दुखद लम्हों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजनों के दिलों पर क्या गुजर रही है। वहीं सरकार व प्रशासन के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के दावे भी खोखले नजर आने लगे हैं। अस्पताल परिसर में रोते बिलखते परिजनों ने सरकार व प्रशासन से ऑक्सीजन मुहैया कराने की गुहार लगाई है। वहीं जब इस बारे में अस्पताल संचालक पंकज मुटनेजा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी मरीज को जाने के लिए नहीं कहा, उनके पास आज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। पैसे तो वो तो जो चल रहे हैं वो तो बाद में हिसाब होगा, लेकिन जितने भी इंजेक्शन जो दवाइयां आ रही हैं, जो क्योंकि कोरोना की वजह से कोई दवाइयां मेडिकल स्टोर पे इजीली नहीं मिल रही है, फ्लैट में जितनी भी जो लाखों की हजारों की जितनी भी दवाइयां आ रही है हम सारी अरेंज करके दे रहे हैं अपनी तरफ से। हम तो जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड ऑक्सीजन जो पीछे से आए। उनसे बात की, उन्होंने बोला कि हम हर जगह ट्राई कर रहे हैं, हमें कोई भी एक टन से ज्यादा नहीं दे रहा। इनके यहाँ पे एक टन ऑक्सीजन सिर्फ 7 घंटे चलती है। बोला आप डीसी ऑफिस में जाके प्रेशर बनाओ। हम सारे डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस बड़े आराम से वहाँ पे सब बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब हमने बार बार रिक्वेस्ट की, उनके आगे रोए, उनके आगे हाथ जोड़े, तो बोल रहे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या सकते। डॉक्टर रमेश ने कहा मेरे को कि इसको ले जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है, इसको रोहतक ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, पेशेंट क्रैश हो जाएगा, हमारी कोई कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर रमेश से मेरी बात कराओ। हाँ डॉक्टर रमेश से मेरी बात कराओ, उन्होंने मेरे को बुलाया स्पेशल घर से। अंकल जी आप क्यों रो रहे हो, कह रहे अभी लेके चले जाओ यहाँ से, 2 घंटे के बाद यहाँ पर तो अभी कहा जाए। आपको कौन भरती है यहाँ पे? इंजेक्शन भी हमारे को ब्लैक में दिया, इन्होंने 80,000 में इंजेक्शन दिया हमारे को, 80,000 में। 80,000 में इंजेक्शन दिया? हाँ जी इंजेक्शन दिया है, और लिखा हुआ हमारे पास। प्लीज देखो मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, देर इज नो पैनिक, समझ में आई? देर इज एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबल। हमने सिर्फ इनको ये काउंसिल किया है क्योंकि अभी हमारे पास एक आया है ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देर इज अ कोटा सिस्टम और हमें 1 टन कोटा मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 to 4 tons है, आज की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फ्यूचर की बात करिए, इसलिए मरीजों को कहा गया है कि दे शुड मेक अरेंजमेंट्स। अगर ये कोटा सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टू इंक्रीज द कोटा, लेट्स होप इट हैपेंस। बस हमें सरकार से और कोई तड़प नहीं रहा, कोई वो नहीं हो रहा, किसी को ऑक्सीजन की वजह से सर हम मरने नहीं देंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव द सिचुएशन। ठीक है बस हम यही कह रहे हैं कि हमने सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि हमें और कोटा प्रोवाइड किया जाए, जो कि सरकार जो कि दे आर अश्योरिंग अस दैट दे विल प्रोवाइड अस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अटेंडेंट्स पैनिक करने लग जाएं। हमने उनको भी यही समझाया है कि सर डोंट पैनिक का कोई ये समाधान नहीं है पैनिक। ठीक है।